क्या तोलू, भूख लगी है भगवत? हाँ मोलू, बहुत भूख लगी है, चल देखेगा बाजार में काई मिले है, खान लू। भगवत देखो, हून मूंगफली है, मोलू बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, हम मूंगफली नहीं चुरा रहा है, बस स्वाद चख रहा है। भाग भगवत, वापस आओ, हरामी कहीं का। बेटा कहाँ हो, तुम चोखा तो हो? हम कहाँ हैं? तुम बहुत भागवाड़ा हो जो हमारा सत्संग में पहुँचा हो। आज हम लोग बात कर रहा है कि भगवान चाहवे है कि हम लोगों को चोरी ना करनी चाहिए। मैं सोचूं हूँ कि आपका यह विषय चोरी करना का बारा में, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जानू हूँ कि चोरी करना अच्छी बात ना है, पर मैं कहीं करूँ, कदी कदी मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊँ। क्योंकि तुम्हारे पिए वह ताकत नहींगी, जासू तू अपना आपा पर काबू कर सके है, तुम लू ऐसी बड़ी शक्ति की जरूरत है जो तुम लू बुरा काम करना सु रोक सके है। मैं ताकतवर हूँ, मोलू किसी की सहायता की जरूरत ना है। अरे ठीक है, शायद मोलू थोड़ी सहायता चाहिए। वास्तव में एक मानस है जो हमारा बुरा कामों पर काबू पाने के लिए और दूसरा जन्म का चक्र तोड़वा की ताकत दे सके है। इस खोपरा के द्वारा मैं तुमलू इसका बारा में बता सकू हूँ। खोपरा? हाँ मेरे यारो, मैं चाहूँ हूँ कि मैं तुमलू एक बड़ा आदमी का बारा में बताऊँ हूँ। बहुत सारा अद्भुत रूप सु भगवान यीशु इस दुनिया में पैदा हुए हो, एक शक्तिशाली तारा की उजाड़ा के नीचे। तीन राजा वालुपुर की तरफ सु देखन आया हा, जैसे जैसे ऊ बड़ो हुयो, बहुत सारा ज्ञानियों को वाने अपना आत्मिक गायन सु चकित कियो हो। ऊ भगवान यीशु बहुत ताकतवर होगो? हाँ मेरा प्यारा दोस्त, वे शक्तिशाली भगवान है, जाने दुनिया बनाई ही की यीशु वाको एकलो बेटो है, धरती आसमान भी वाकी बात माने है। एक दिन वो अपना चेला के साथ नाव पर सो रहे हो, वह समय एक बहुत तेज तूफान आई हीगी, जासुवा का चेला डर गया और उनने भगवान यीशु को सोते हुए जगायो हो। यीशु ने तूफान और लहरों को रोकने की आज्ञा दी हीगी और उसी समय तूफान और लहरें रुक गई। एक दिन भगवान यीशु का दोस्त लाजरस की मौत होगी, जब यीशु लाजरस की कब्र पर पहुंचो तब तक लाजरस को मरे हुए चार दिन होगा। जब यीशु ने लाजरस को नाम लेके बुलायो, जब ही लाजरस दोबारा जिंदो होगो। और एक दिन यीशु 5000 आदमी लू सिखा रहे हो और उन आदमी लू बहुत भूख लगी ही, उन्हें एक छोरा के पिए 5 रोटी और 2 मच्छी हीगी। यीशु ने 5 रोटी और 2 मच्छी को लेके आशीष दी और चमत्कार सु सब आदमी लू खिला दियो। खाना का पीछे भी बहुत सारा खाना बच गयो हो। महाराज यीशु सबकी जरूरत का ध्यान रखे है और हम सब सु बहुत ज्यादा प्यार करे है। पर भगवत जानना चाहे हो कि इस सब का खोपरा सु काई लेनो देनो है? यीशु इस दुनिया में आयो हो कि हमसु प्यार करे और हमारी सहायता करे है, लेकिन कुछ लोग वासु जलन करते थे और वालु मारनो चाहे है। यीशु सरकार के द्वारा पकड़ो गयो और वालु मौत की सजा सुनाई हीगी। यीशु को पहाड़ का ऊपर ले जाके वाका हाथा और पावा में कील गाड़ी और वालु सूढ़ी पर चढ़ायो गयो।
जब वो अपनी आत्मा को अपना बाप के हाथों में सौंप कर मर गयो। एक मिनट रुको, अगर भगवान यीशु इतना ताकतवर हो तो वो मर कैसे गयो? वो सूली सु नीचे क्यों नहीं आयो? बहुत अच्छा सवाल है। वाकी मौत एक टक्कर ना ही गी। वो एक बात के लिए मरो हो, जैसे खोपरा टूटा वैसे ही यीशु का शरीर का कुर्बान हुआ ताकि हम बच सकें। जो खून यीशु ने बहायो वह खून में हमारों पापों को क्षमा करने की शक्ति है। तो वाकी मौत में भी शक्ति हैगी और हिन पर खत्म नहीं होता। यीशु का मरना पीछे वाका चेलानु वाका शरीर में कब्र में रखो हो, पर 3 दिन बाद यीशु दोबारा जिंदो हो गो हो और कब्र में सु बाहर आ गयो हो। वाका बाद वो आपना चेला का सामने दिखाई दियो हो, आदेश दियो हो कि वाका 12 में जाके सारा जगत नु सुनाइए। यीशु ने अपना चेला सु वादा कियो कि एक दिन वो शक्ति और महिमा के साथ वापस आएगा। वाका बाद में वो स्वर्ग में चलो गयो और अब तक वह स्वर्ग में है एक राजा के रूप में। केवल महाराजा यीशु की आज्ञा पालन करना सु और उनका ऊपर विश्वास करना सु हम सब पापों सु मुक्त हो सके हैं। मैं और भगवत भगवान यीशु का चेला बनना चाहे हा और वहाँ पर विश्वास करना चाहे हा। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। हरामी अंत में जाके मिल ही गयो। मूंगफली चुराना के लिए हम दोनों लू माफ कर दे। मैं तुम दोनों लू माफ करती हूँ। लो थोड़ी और मूंगफली लो। चलो हम सब मिलकर बढ़ाई करें, मगन होवे हमारा प्यारा सतगुरु यीशु का नाम में। एक बार आओ नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आओ नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला।